बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उबैद भट्टी और एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 जून को वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे और इसके अलावा जो अपोजिशन रहनुमा हैं जो असम्बली इजलास के अंदर मौजूद थे या इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा जो है डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं या इसके अलावा तनकीद कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने ये बजट ठीक नहीं दिया, ऐसा कर दिया, इसमें कोई डेवलपमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, मुस्तकबिल में क्या होगा, और इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की आप ट्वीट देख सकते हैं। इसके अलावा दीगर नून लीग के जो रहनुमा हैं वो अपनी जगह, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के लोग और फिर मौलाना फजलुर्रहमान और उनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरह असम्बली के अंदर जो कुछ किया कि होना तो ये चाहिए था कि बजट के बारे में कोई तजवीज़ देते, कोई जो काबिल अमल होती या कोई अपनी तरफ से रिसर्च करके कोई इदाद व शुमार लेके आते और बताते कि ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, उसमें कोई हेल्थी इनपुट और डिस्कशन होती तो उसका कुछ फ़ायदा भी होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की ये जो अपोजिशन जमातें हैं इनकी जो सियासत है वो ज़ातियात के गिर्द घूमती रहती है और इसके अलावा एक दूसरे को बचाने के गिर्द घूमती है, जबकि जो आवाम के जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसके ऊपर जिस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए उस तरह से ये लोग नहीं करते। सिर्फ शोर शराबा मचाया गया, ऐसा लगता था कि मछली मंडी है, इसके अलावा नारे लगाए गए, बुरा भला कहा गया, सिलेक्टेड सिलेक्टेड की आवाज़ें लगाई गईं, किसी एक अपोजिशन रहनुमा ने या किसी मेंबर ने ये जो है गुस्ताखी या जुर्रत नहीं की अपनी तरफ से कि हकूमत को ये कहे कि जी इसमें फ़लां चीज़ में फ्लॉ है तो इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा हर तरह की बातें जिनका कोई फ़ायदा कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब किसी तरह से भी वो आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं थी, तो वो वाली बातें की गई हैं, शोर मचाया गया। मैंने कुछ इदाद व शुमार इकट्ठे किए हैं कि जो बजट है 2020-21 का, इसके अंदर हकूमत ने क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से लिखी हैं, बताई हैं, या हमाद अज़हर साहब ने जो कल परसों स्पीच की जो उसके अंदर चीज़ें बताई गई, तो ये सारी चीज़ें मैं इनका एक खुलासा आपके सामने रखूंगा। फिर आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां जो कुछ कह रही हैं वो दुरुस्त है या जो हकूमत ने बजट पेश किया है वो दुरुस्त है। सबसे पहले तो 208 अरब रुपये हकूमत ने एहसास प्रोग्राम के लिए रखे हैं, वही एहसास प्रोग्राम जिसके तहत जो डेली वेजेस थे या वो लोग जो बेरोज़गार हो गए थे उनको हकूमत ने घर बैठे 12-12 हज़ार रुपये जो है वो इमदाद दी है। इसमें ये इससे पहले जो था ये 187 अरब रुपए था। इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन जो है, मतलब जो सिस्टम बनता है गवर्नमेंट का सोशल प्रोटेक्शन के जो डिपार्टमेंट हैं समाजी जो तहफ़ुज़ के, उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके अलावा बैतुल माल है या इसके अलावा कुछ और इदारे हैं तो ये भी इसमें शामिल हैं एहसास प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा गवर्नमेंट 189 अरब रुपये की सब्सिडी जेरी है और ये सब्सिडीज़ जो होगी ये ज़्यादातर जो है गरीब तबके के लिए होगी, आम जो लेमैन है उनके लिए होगी कि उनको छूट दी जाएगी मुख्तलिफ चीज़ों पर। इसके अलावा जो सेहत से रेलिवेंट चीज़ें हैं जो इस सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल होनी है तो उनके ऊपर भी सब्सिडीज़ हैं और भी कुछ ज़रात के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ये 187 अरब की सब्सिडी इस्तेमाल होगी। इसके बाद HEC का जो बजट है वो इससे पहले जो गुज़श्ता साल था उसमें 59 अरब रुपए था, लेकिन इस दफ़ा ये बजट 94 बिलियन रुपीज़ है। इस दफ़ा इसमें 64 अरब रुपए जो है वो एक बजट और दूसरा जो डेवलपमेंट है, इसको दोनों को मिलाएं तो ये 94 अरब बनता है। जबकि ये अलग बात है कि टोटल HEC खर्च नहीं पाता, जैसे कि गुज़श्ता साल भी मुश्किल से 14-15 अरब रुपये जो है वो खर्चा गया था। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसके अंदर नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है, उसके लिए 30 अरब रुपये मुख्तस हुए हैं। फिर अख़ुवत फाउंडेशन के तहत हुकूमत जो है सस्ते और बिला सूद कर्जों के तहत जो सस्ते घराने लोगों को देना चाहती है उसके लिए भी 1.5 अरब रुपए रखे हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 55 अरब रुपए गवर्नमेंट ने रखे हैं, बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए हैं, उसके अलावा ये NFC अवार्ड के अलावा है बलूचिस्तान के लिए 10 अरब, सिंध के लिए 19 अरब और एक्स फाटा के जो इलाके हैं जिनको मर्ज किया गया है KPK के अंदर, इनका 56 बिलियन रुपीज़ हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए गवर्नमेंट ने 32 अरब रुपए रखे हैं। इसके बाद रिमिटेंसेस जो हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ों से जो आता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस निज़ाम को स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए 25 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके बाद जो कम्युनिकेशंस का सेक्टर है, मवासलात का जो है, उसके अंदर 40 अरब रुपये रेलवे को दिए गए हैं जो उसके मामलात पर असर पड़ा है कोरोना की वजह से या दीगर जो चीज़ें हैं। उसके बाद कामयाब नौजवान के लिए हुकूमत ने 2 अरब रुपये जो है वो रखे हैं ताकि बैंकों के ज़रिए जो है नौजवानों के लिए मुख्तलिफ जो प्रोग्राम शुरू करने थे छोटे छोटे बिजनेस के, उसकी हेल्प की जा सके। इसके बाद फेडरल हॉस्पिटल्स हैं मुल्क के अंदर कराची और लाहौर के, तो उनके लिए 13 अरब रुपये
रखे गए हैं, जबकि ई गवर्नेंस का जो सिस्टम है कि अब हुकूमत जो गवर्नेंस को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इन चीज़ों की तरफ आ रही है, इंटरनेट की तरफ, तो उसके लिए भी हुकूमत ने जो है 1 अरब रुपया रखा है। इसके अलावा आर्टिस्ट जो है उनके लिए भी 1 अरब का फंड रखा गया है। फिर एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके अंदर ये जो टिड्डी दल का मामला है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा है, दोबारा से हमले के चांसेस है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है वो 10 अरब रुपये का रिलीफ जारी किया। इसके अलावा जो डेवलपमेंट बजट है वो अब इस टोटल बजट के अंदर वो अलग से है, और उसकी टोटल जो अमाउंट बनती है डेवलपमेंट की वो फेडरल और प्रोविंसेस को काउंट किया जाए तो वो 1324 अरब रुपए की अमाउंट है, और जिसके अंदर पीएसडीपी बजट जो वफाक का है वो 650 अरब रुपए का है, जबकि सूबों को जो जाना है वो 674 अरब रुपए का बजट है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी कितना बड़ा पोर्शन है जो कि डेवलपमेंट फंड्स की मद के अंदर जो है हुकूमत दे रही है। अच्छा, पीएसडीपी जो है बेसिकली पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हुकूमत ने स्पेशल फंड्स जो हैं वो कोरोना को काउंटर करने के लिए रखे हैं 70 अरब रुपए। आप इसे देख सकते हैं कि हुकूमत कोरोना को किस कदर सीरियस ले रही है जो इससे जुड़े हुए मामलात हैं। इसके अलावा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 80 अरब रुपए रखे हैं, जबकि पानी के जो जखायर हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे मुल्क के, उनके लिए गवर्नमेंट ने 69 बिलियन रुपीज़ रखे हैं, जिनमें भाषा मोमन डैम और ये सारे जो डैम चल रहे हैं जो मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने खास तवज्जो दी है। इसके अलावा नेशनल हाईवे के अंडर जो मवासलाती जो निज़ाम चल रहा है जिसमें रेलवे भी आती है और सड़कें भी आती हैं, इसमें ML1 प्रोजेक्ट है जो रेलवे का, उसके लिए भी 24 अरब रुपये रखे हैं, जबकि उसके अलावा जो मवासलात का सिस्टम है उसके लिए 37 अरब रुपये हैं, जबकि जो हेल्थ है उसका बजट गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपये रखा और एजुकेशन के लिए 30 अरब रुपए रखे, जबकि 5 अरब रुपए मदरसा रिफॉर्म जो चल रही थी हुकूमत की, जो पीटीआई का मंशूर था कि मदरसों को मेन स्ट्रीम के साथ लाया जाएगा, तो उसके लिए भी 5 अरब रुपए रखे हैं, जिसके अंदर जो इनका निसाब है और बहुत सारी चीजें हैं इनके लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा साइंस और आईटी जो सेक्टर है उसके लिए भी 20 अरब रुपए रखे गए, और क्लाइमेट चेंज का जो मसला बहुत बड़ा मसला है उसके लिए भी 6 अरब रुपए गवर्नमेंट ने रखे हैं। उसके अलावा स्पेशल टेरिटरीज हैं जो मुल्क के अंदर जिनको ये दर्जा है स्पेशल टेरिटरीज का, उसमें आजाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इनके लिए 40 अरब रुपए गवर्नमेंट ने अलग से रखे हैं इस डेवलपमेंट फंड में। फिर एक्स फाटा जो है उसके लिए 48 अरब रुपए रखे हैं, और इसके बाद जो SGDs होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के, उसके लिए गवर्नमेंट ने 24 अरब रुपए रखे हैं, और एग्रीकल्चर और जो फूड है इसके लिए 12 अरब रुपए हैं, जबकि फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मर्ज हुए हैं उनके अंदर जो TDPs का सिस्टम है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपए मखसूस किए हैं, जबकि 2 अरब रुपए अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं गवर्नमेंट के उसके लिए भी रखे गए हैं। तो आप सारी चीजें ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इन सारे सेक्टर्स के लिए किस तरह से पैसे जो है वो एलोकेट कर रही है, इस्तेमाल किए जाएंगे, इनके डेवलपमेंट पर खर्चा होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एक जो प्रोपेगेंडा जिस पे हो रहा है, खास तौर पे डिफेंस बजट की बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो दिफाई सिस्टम है, निजाम है, जो सारा एक पूरा पोर्शन बनता है, इसके लिए 1299 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, और इस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या वाकई ही 85% बजट बनता है, और इसके अलावा जो हेल्थ और एजुकेशन को कंपेयर किया जा रहा है कि उनका बजट बहुत थोड़ा, झूठ बोला जा रहा है कि बहुत थोड़ा रखा गया, कोई 4 अरब कह रहा है, कोई 10-20 अरब कह रहा है, तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो करूंगा। अच्छा, इसके अंदर फिर ये सारी चीजें शामिल हैं कि एक तो डिफेंस के मामलात और फौज के जो मामलात होते हैं, मुख्तलिफ जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मामलात चल रहे हैं, अफगानिस्तान का इशू है, पाक इरान बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे फेंसिंग हुई है, और बाकी सारे जो मामलात हैं गवर्नमेंट और जो आर्मी है उसके लिए जो टोटल डिफेंस का बजट रखा गया है। इसके बाद कोरोना का जो पैकेज है वो भी, उसका भी एक पोर्शन बहुत बड़ा है, और ये भी डिफेंस बजट के करीब करीब है, यानी 1200 अरब रुपए का कोरोना रिलीफ पैकेज है पूरा, जिसके अंदर मेडिकल इक्विपमेंट सिर्फ खरीदने के लिए 71 अरब रुपए रखे गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी जगह गवर्नमेंट जो है कोरोना से निपटने के लिए पैसे मुख्तस कर रही है। इसके अलावा जो गरीब फैमिलियों को पैसे देने हैं उसके लिए 150 अरब रुपया रखा गया है, और 200 अरब रुपये रखे गए हैं जो दिहाड़ीदार जो डेली वेजर्स हैं जिनके मसाइल हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही या मसला आ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन थोड़ा रखा गया है, इसका स्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसको SOPs जो रखे गए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन है, तो बहुत सारे असरात मुरतब हो रहे हैं मईशत के ऊपर कि आप यहां से अंदाजा करें 3300 अरब रुपए का लॉस हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को कोरोना की वजह से, कि बहुत सारे जो हदफ थे वो पूरे नहीं हो सके। उसके अलावा जो सडन खर्चा पड़ गया कोरोना की वजह से, इकोनॉमी रुक के रह गई, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक गई, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उनका जो ग्रोथ रेट था इसका GDP का, वो सब का नीचे आ गया है। जबकि ये बात नहीं है कि GDP पाकिस्तान की कम हुई है, GDP बढ़ी है, लेकिन जो एक हदफ रखा गया था उतनी नहीं पहुंच सकी, इसलिए वो -0.4 पे है इस वक्त, और हुकूमत ने इस बजट में ये फैसला भी किया कि इसको 2% से ऊपर लेके जाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हुकूमत ने जो टैक्सेशन के अंदर जो रिलीफ दी है इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं।
इसके अंदर यह है कि नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया जो लेमेन के लिए है। इस पे कुछ टैक्स हैं जो अमीर लोगों के लिए हैं या एलीट तबके के लिए, वो जरूर लगाए गए हैं, लेकिन लेमेन के लिए कोई टैक्स नहीं। फिर इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है वफाक का, उसका सबसे बड़ा पोर्शन जो हमारे कर्जे हैं 40,000 अरब रुपए से जायद के कर्जे, उनके ऊपर जो सूद दिया जा रहा है उसके ऊपर अदा हो रहे हैं। आप ये देखें कि गुज़श्ता 2 साल के अंदर पीटीआई गवर्नमेंट ने 5,000 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा किए हैं, जो कर्जे और डेब्ट की सर्विसिंग होनी थी उसकी मद में अदा किए हैं। और इस साल भी हुकूमत 2900 अरब रुपए के करीब अपने डेट सर्विसिंग के लिए देगी, यानी कि 41% के करीब जो बनती है पाकिस्तान का कुल जो बजट है, ये रकम जो है सिर्फ और सिर्फ उधर चली जाती है। अगर ये रकम भी बच जाए तो पाकिस्तान डिफेंस पे भी खर्च सकता है, हेल्थ पे भी खर्च सकता है, एजुकेशन पे भी खर्च सकता है। और ये कर्जे पाकिस्तान पे क्यों चढ़े हैं, इसने 40,000 अरब तक जो कर्जे पहुंचे हैं, इसकी वजह क्या है, ये मुझसे ज्यादा आप बखूबी जानते हैं और इसका फैसला भी कर सकते हैं। इसके बाद सेल्स टैक्स जो है गवर्नमेंट ने मखसूस मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो किया है वो 12% पे ले आए हैं, पहले ये इससे पहले 16% होता था। इसके अलावा रिक्शा और बाइक्स जो हैं 200 सीसी से नीचे, इनके ऊपर जो एडवांस टैक्स था उसको भी खत्म कर दिया गया है। और इसके अलावा जो डबल कैबिन गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया है। फिर मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के अंदर जो बनने वाली चीजें हैं इनके ऊपर भी टैक्स कम किया गया है। इसके अलावा इनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज दे रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल बनेंगे इनके ऊपर भी टैक्स की जो है शरह कम हो जाएगी। इसके अलावा सिगरेट और एनर्जी जो है एनर्जी ड्रिंक्स जो है इनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है, सिगरेट के ऊपर 100% बढ़ा दिया गया है, जबकि एनर्जी ड्रिंक्स जो है इनके ऊपर 25% तक इसको ऊपर किया गया है। इसके अलावा हैवी फी चार्जिंग थी, जो स्कूल हैं जो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं लाखों रुपए महीने के हिसाब से, या जिनकी सालाना अगर काउंट की जाए तो कई लाख या मिलियंस में जाती है, उनके ऊपर हुकूमत ने जो है वो 100% जो है टैक्स लगा दिया है कि वो अपनी जो आमदन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है तो टैक्स बहुत थोड़ा देते हैं, तो वो 100% जो है वो अपना टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा सीएनआईसी कॉपी की जो रिक्वायरमेंट रखी गई थी कि 50,000 रुपए की आप जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कुछ भी, तो सीएनआईसी कॉपी देंगे, उसमें बहुत ज्यादा शोर मचा, ट्रेडर्स ने शोर मचाया, तो हुकूमत ने ये जो लिमिट है 1,00,000 रुपए पे कर दी है, 50,000 रुपए नहीं होगी। हालांकि इससे हुकूमत को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जैसे FATF की बहुत सारी शरायत हुकूमत पूरी कर रही है, उसमें बहुत सारी पूरी कर ली है, तो ये भी उसका एक मेजर नुकता है। इसके अलावा टैक्स रेशियो जो है होटल इंडस्ट्री के लिए उसको भी हुकूमत ने 0.5% पे कर दिया है, और ये 6 महीने के लिए, इससे पहले ये 1.5% होती थी, क्योंकि हुकूमत जो है ये होटलिंग इंडस्ट्री, इसके अलावा जो मुल्क के अंदर टूरिज्म सेक्टर है इसको ऊपर लाना चाहती है ताकि ऑल्टरनेट जराए पैदा हों, लोगों को जॉब्स मिले। और इसके अलावा जो ग्रीन पाकिस्तान एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी उसके तहत हुकूमत ने कई लाख नौकरियां पैदा कर दी हैं और लोगों को दी हैं, जिसके तहत ये जो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है और ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसके बाद लग्जरी घर जो हैं, बड़े बड़े घर जो हैं 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल ऐसे बड़े बड़े वाले, इसके अलावा फार्म हाउसेज जो लोग बनाते हैं तो उसके ऊपर भी जो टैक्स है उसको भी इजाफा उसमें कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखने की यह है कि पेट्रोल प्राइसेस गवर्नमेंट ने खत्ते में सबसे ज़्यादा कम कर दी हैं, यानी 40 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल को सस्ता कर दिया, और इस वक्त 74 रुपये लीटर पेट्रोल है। वो थोड़ी सी इसमें शॉर्टेज आई थी, उसमें कुछ माफिया इन्वॉल्व हुआ था, तो हुकूमत ने एक्शन लिया है, उनको जुर्माने भी किए हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ये पेट्रोल का जो है ये आवाम के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ता है इसके सस्ते होने से, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी चीजें इसकी वजह से सस्ती होंगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, इसके अलावा और बहुत सारी कॉस्ट है जो सस्ती होगी, क्योंकि पेट्रोल के साथ बहुत सारी चीजें नथी होती हैं। तो उम्मीद है कि हुकूमत जो बजट पेश किया है वह आवाम दोस्त ही साबित होगा, और हुकूमत ने इसके ऊपर जो अपने इदाद शुमार बताए हैं वो भी दुरुस्त होंगे, या इसके अलावा बजट के अंदर जो चीजें बताई हैं कि किस तरह से स्टेप गवर्नमेंट ले रही है इकोनॉमी को दुरुस्त राह पे चलाने के लिए, कुछ मीडियम टर्म है कुछ लॉन्ग टर्म है, कि ये सारे मामला ठीक हो और इकोनॉमी के ऊपर जो बोझ बना हुआ है, जो सारे हो रहे थे, उनको भी बहुत हद तक कम किया है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि पहले 2 साल के अंदर पीटीआई गवर्नमेंट क्या कुछ कर चुकी है, हुकूमत ने कितनी अयाशियां की हैं, कोई इनके ऊपर करप्शन स्कैंडल आया है या नहीं आया, उससे पहले जो हुकूमतें थी उनका क्या सीन था, उस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा। नाज़रीन, ये मालूमात मैंने आपके सामने रख दी, अगर आपको ये वेरीफाई करना हो तो आप मुझसे मुतालबा कर सकते हैं कि मैं आपको वो बाकायदा डॉक्यूमेंट दे सकता हूं जिसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिसके ऊपर जो स्पीच की हमाद अजहर साहब ने असेंबली के अंदर, तो मैं आपको भी दे सकता हूं ताकि आप खुद भी जो है उसको क्रॉस चेक कर लें। अगर आपको यह मालूमात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। उबैद भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।